तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों यहां पे आपके फ़ोन में पेटीएम के एप्लीकेशन में आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। जब भी आप सभी लोग यहां पे पेटीएम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो यहां पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सिम कार्ड चेंजेड और इसी तरीके से यहाँ पर शो करता है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो आपके फ़ोन में तभी आता है जब दोस्तों आप सभी लोग अपने फ़ोन में जो सिम है उसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं यानी कि पोर्ट करते हैं। यानी कि आपके पास अगर जियो का सिम रहता है तो उसको आप यहाँ पे आइडिया या तो फिर वीआई में पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। तो अब इससे दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको यहाँ पर प्रोसेस टू अपडेट नंबर करना होता है यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है और आपके नंबर को अपडेट करना पड़ता है। तो बस इतना ही करना पड़ता है दोस्तों और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ भी सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको प्रोसेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी और इस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पेटीएम ऐप से रिलेटेड तो आप सभी लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।